दुनिया में माँ बाप के लिए औलाद इज्जत का सबब होती है। औलाद नेक हो, साले हो, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाली हो, औलाद की सालिहियत की वजह से माँ बाप की इज्जत होती है, माँ बाप का नाम दुनिया के अंदर होता है, एक ये भी सबब है। औलाद अगर नेक हो, साले हो, तो माँ बाप के लिए कल क़यामत के रोज़ ये औलाद बुलंदी दर्जात के सबब बन जाती हैं। औलाद सबब बनती है माँ बाप के लिए जन्नत में बुलंदी दर्जात के लिए, जिसकी तारीद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से होती है। हदीस वान अबी हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا ترفع درجته في الجنه فيقول ان هذا فيقال باستغفار ولدك لك। راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل لا ترفع درجته في الجنه، ایک آدمی کو جنت میں داخل کیا جائے گا، جنت میں उनके दर्जात को बुलंद किया जाएगा, उनका मकाम बहुत ऊंचा होगा, दर्जात बुलंद होंगे, ऊंची जगह पर एक आदमी को रखा जाएगा, उसे खुद एतबार नहीं होगा कि हमने तो ऐसा अमल नहीं किया है, हमने तो कोई ख़ास ऐसा अमल किया ही नहीं, फिर अल्लाह तबारक व ताला क्या वजह है कि जन्नत में मेरा मकाम इतना ऊँचा कर रहा है, वजह क्या है। वो शख्स पूछेगा, सवाल करेगा, अन्ना हाजा, जन्नत में मुझे इतना ऊंचा जो मकाम मिला है क्यों मिला है, जन्नत में मेरे लिए इतनी जो इज्जत की जा रही है, मेरे लिए दर्जात को जो बुलंद किए जा रहे हैं, अन्ना हाजा, वजह क्या है, सबब क्या है, मेरे तो ऐसे आमाल नहीं हैं, क्या वजह है कि जन्नत में मेरा मकाम ऊंचा किया जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उससे कहा जाएगा बिस्तिग़फ़ारी वलदी का लक, तेरी औलाद तेरे लिए इस्तिग़फ़ार करती थी, तेरी औलाद तेरे लिए इस्तिग़फ़ार करती थी, औलाद के इस्तिग़फ़ार करने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने तेरा मकाम जन्नत के अंदर ऊंचा कर दिया है। किस कदर अहम मामला है और कितनी खुशनसीबी वाली बात है कि अगर औलाद नेक हो, साले हो, शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाली हो, तरीक़े रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाली हो, बाप मर जाए, माँ मर जाए, औलाद ज़मीन के ऊपर बैठ करके माँ बाप के हक़ में दुआ करे, परवरदिगारा मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन को जन्नत में जगह नसीब अता फरमा, मेरे वालिदैन के दर्जात जन्नत में ऊंचा कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि नेक औलाद की दुआ रब सुनता है और नेक औलाद की दुआओं की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उनके माँ बाप के मकाम को जन्नत में ऊंचा कर देता है। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। iPlus TV बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या DTH ऑपरेटर से iPlus TV आज ही डिमांड करें। iPlus TV फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।